तो गाइस हम आ चुके हैं मोस्ट फेमस कुल्लड़ पिज्जा वाले भैया पे। तो भैया तो अभी कुछ सामान लेने गए हैं यहाँ पर। अंडी अंटिन देखो, मिनट से पहले देखते देखते दुकान पूरी सजा दी है। अभी हम थोड़ी देर पहले ही आए थे, दुकान बिल्कुल खाली। सो गाइस भाई आ चुके हैं। हम तो भैया उनकी वजह से आए हैं। आर यू हंग्री? देखा होगा आपने, वो हमारे पड़ोस में ही रहते पीछे साइड। एक दूसरे को सपोर्ट करने से ही काम करता। सो गाइस आप देख सकते हैं कितने भाई आ चुके हैं। वो भाई यूट्यूबर, क्या नाम था भाई? लक्ष अनाउन मैन करके। भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और ये अंकल भी आए हैं यूट्यूब वीडियो के लिए। और ये भाई भी है। इन भाई का नाम है शांत नंदा करके ब्लॉग। शांत नंदा यूट्यूब चैनल है भाई का, इसको भी चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ भाई ने आज ही चालू करा है। तो गाइस फिलहाल जो है अपनी कुल्हड़ पिज़्ज़ा की जो है कटिंग तैयार हो रही है। टिकट डाला भी आपने? बटर। तो बटर है, ओके। सर आप बताते हो हमें क्या क्या डालना है? कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं। कुल्हड़ पिज़्ज़ा बना रहे हैं हम। और उसके लिए पहले हमने डाला बटर, उसके बाद डाले आनियन। बटर ये कौन से वाला है? अमूल का। अब हम डाल दिए कैप्सिकम। ये कैप्सिकम डाल दिया आपने। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े व्लॉगर आ चुके हैं। भाई को करें। जलंधर से। ये कॉन्सेप्ट जलंधर का है। ओके। लेकिन मैंने एक वायरल कपल की वीडियो देखी थी, मुसादार जी जो है। हाँ जी। ओके ओके। तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना तो था, क्योंकि मेरा जो बिजनेस है वो एकदम से बंद हो गया। तो इसी वजह से बिजनेस आपका बंद हो गया था। हाँ जी। किसी का बिजनेस करते थे भैया आप? मेरे फादर बिजनेस करते थे। पापा आपके? हाँ जी। ओके। किसी का बिजनेस? जो कूलर की मोटर होती है ना, उस कूलर की मोटर। ओके। तो अभी आप वो चला रहे हो आप? मैं सुबह के टाइम वही करता हूँ, उसको बढ़ा रहा हूँ आगे। ओके ओके। और शाम को इवनिंग में ये मतलब ये फुल टाइम अभी नहीं है। फुल टाइम अभी आप मतलब पहले सुबह आप मतलब वहाँ जाते हो, जॉब पर जाते हो और शाम को भी यहाँ पे आते हो। और टाइमिंग क्या भैया आपकी यहाँ की? यहाँ पे 5 PM to 30 PM। ओके। हाँ जी। स्टफिंग तैयार हो चुकी है गाइस, देख सकते हैं आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ। ये बंदे को मत देखो, ये गंदा नहाता भी नहीं है। ये भाई 10 दिन से ही नहाया। 10 दिन से बताओ, 10 दिन से नहीं। कितना घिनौना इंसान है ये। भीड़ देख सकते हो गाइस, थोड़ी देर में इतनी जम गया। ये इनका मेन्यू है, देख सकते हैं आप। असल में जो बाहर का जो प्रोसेस आप देख रहे हैं वो ये है, जो बाहर से पाया जा रहा है इसको। तो गाइस देख सकते हो यार, ये मतलब अपना पूरा पिज्जा वैसे रेडी है, लेकिन हाफ रेडी है। अब इसको जो की जा रही है, क्या बोलेंगे भैया इसको? फायर पूरा पिज्जा। यही था क्या आपका सस्पेंड का?
तो इससे पहले का स्टेप क्या किया आपने? इससे पहले हमने माइक्रोवेव में डाला है। अच्छा, डबल डबल हो रहा है। तो ये आइडिया कैसे माइंड में आया कि मैंने जितना भी रोग बनाया है ना आज तक दिया सारे, मतलब मैंने ये माइक्रोवेव वाले देखे हैं फिर, लेकिन पहली बार देख रहा हूँ फायर वाला। माइक्रोवेव में हर जगह पे हो रहा है, तो नया तो करने का, तो तूने ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया है। हाँ, ये बढ़िया बात है। ये चिली फ्लेक्स है, इसके बाद रेडी भी आते। हाँ जी। तो भाई देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, खाने में होगा बढ़िया नहीं होगा? आंटी बताएंगे, आंटी बताओ आप। तो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने चीज की तो बाहर कर रखी है भाइयों ने। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैं तो कहूँगा सारे भाई आओ, देखो और खाओ। 90 रुपए में पिज्जा भी नहीं मिलता इतना बड़ा, जितना बड़ा था ये दे रखा, और इतना बढ़िया पूछो मत। टेस्ट तो बहुत नेक्स्ट लेवल है टेस्ट।